हैवानियत की भी अगर कोई हद होती है ना, तो यार उससे भी गंदी हरकतें इस मूवी के अंदर इन लड़कियों के साथ होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द केरला स्टोरी की, जो कि अपने साथ एक काफी सेंसिटिव मुद्दे को लेकर चलती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को अंदर तक से हिला देने की दम रखती है। क्योंकि मूवी काफी डिस्टर्बिंग और ब्रूटल सीन से भरी पड़ी है, जैसे कि कटे हुए सर, खून खराबा, रेप वगैरह के सीन्स, जिस वजह से इसको ए रेटिंग मिली है। और अगर तुम बॉलीवुड की रीमेक और घिसी पिटी स्टोरी के साथ आने वाली मूवी को देख देख कर बोर हो गए हो और तुमको कुछ ओरिजिनल और इमोशन के साथ दिमाग फाड़ देने वाली चीज देखनी है, तो इस मूवी को देखने का डिसीजन आपका बहुत सही रहेगा। वैसे मूवी की स्टोरी अगर शॉर्ट में कहूँ तो मूवी के अंदर तीन नर्स लड़कियों का काफी चालाकी के साथ ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिसके बाद इनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि ये खुद अपनी फैमिली तक से नफरत करने लगती है। और इसके बाद कुछ लोग इनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करके अफगानिस्तान और सीरिया जैसी कंट्रीज में भेज देते हैं, जहाँ पर इनको एक सुसाइडर बॉम्बर या तो एक टेररिस्ट बनाकर मासूम लोगों की जान लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद मूवी के अंदर कैसे ये लड़कियां वहां से वापस आती है और उनके साथ क्या क्या होता है उस टाइम पीरियड में, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर काफी स्मार्टली तरीके से मूवी के मेकर्स ने अपनी जान को हथेली पर रखकर दिखाया है। और सच बताऊं तो यार, इस मूवी को देखते टाइम तुम इससे इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे कि तुमको लगेगा ही नहीं कि स्क्रीन पर जितने भी लोग हैं वो बस एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मूवी के अंदर जितने भी एक्टर सबने भाई अपना 100% दिया है। स्पेशली आधा शर्मा, जिनके कैरेक्टर को देखकर भाई हर किसी को तरस आ जाए उन पर, क्योंकि जिस लेवल की उनकी एक्टिंग यहां देखने को मिलती है वो काबिले तारीफ है। प्लस मूवी के अंदर जो उनको डायलॉग दिए गए हैं वो भी काफी गजब के हैं यार। इसके अलावा और जितने एक्टर हैं इनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक और नेचुरल लगती है कि इनके कैरेक्टर को देखकर तुमको घिन आने लगेगी इनसे। और यहाँ पे इस मूवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी द कश्मीर फाइल से भी बेहतरीन इतिहास रचेगी, क्योंकि जिस अंदाज में ये मूवी बहुत ही कम शब्दों के अंदर बहुत कुछ कह जाती है, इसको देखकर लगता है कि भाई देश संकट में है। इसके अलावा मूवी की सिनेमाटोग्राफी एकदम टॉप नॉच है। मूवी के अंदर जो BGM का यूज हुआ है वो आपको बहुत ही स्मार्टली तरीके से मूवी से कनेक्ट करवा देता है, और जो सामने चल रहा होता है उसको आप बहुत ही अच्छे से फील कर पाते हो। तो 140 मिनट लंबी ये मूवी आपको एकदम पकड़ कर रखेगी और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। वैसे अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।